दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है समय के साथ। कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है। वैसे ही समय गुजरते हुए बैंक जो है अपनी सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहा है, और जो भी बैंकिंग सिस्टम है वो अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग समझेंगे बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में। प्राइमरी फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया, जिसमें हमने चार फंक्शंस अभी तक पढ़े हैं। फर्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जिसमें तीन तरह के डिपॉजिट्स होती थे। सेकंड, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, प्रोवाइडिंग लेंडिंग टू द नीडी पीपल। थर्ड, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़। और फिफ्थ था इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। फोर्थ जो है क्रेडिट क्रिएशन, बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। पर आज हम लोग समझेंगे उसके दो सेकेंडरी अदर फंक्शंस के बारे में। क्या दोस्तों कभी भी ये सवाल मन में हुआ है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है? क्या जो भी एक्सपोर्टर है वो इम्पोर्टर के ऊपर भरोसा कर देगा, और क्या वो सारा सामान बेच देगा? अगर कोई भी इम्पोर्टर है, मान लो कि मैं इम्पोर्टर हूँ और आप एक्सपोर्टर हो, मैं इंडिया से सामान मंगवा रहा हूँ और आप अमेरिका में हो, मैं आपसे सामान मंगवा रहा हूँ, अब क्या मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि आप मुझे सामान बेच दो, मैं आपको पैसे बाद में दे दूँगा, तो क्या आपको मुझ पर भरोसा आएगा? क्या आप सामान मुझे भेजोगे? और अगर मान लो कि भरोसा करके आपने सामान भेज दिया और उसके बाद मैंने आपके कॉल रिसीव करना ही बंद कर दिया, तो या तो फिर कॉल रिसीव करके मैं पूछता हूँ, कौन हो आप? मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, कौन सा एक्सपोर्ट किया था आपने? तो मान लो कि ऐसा ना हो, तो इसके लिए ये जो सेफ्टी रहे, और इस दुनिया में जितना भी लीगल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो सब बैंक की मदद से होता है, क्योंकि बैंक जो है इसमें मीडिएटर का रोल प्ले करता है। कैसे दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं इम्पोर्टर हूँ और आप एक्सपोर्टर हो। अब आप क्या बोलोगे? आप सामान तो मुझे भेजोगे, लेकिन आप मुझे क्या बोलोगे कि देखो, सबसे पहले आप क्या करो, अपनी बैंक में जाकर हमें लेटर ऑफ क्रेडिट दो। क्या दो? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो मैं अपनी बैंक में जाऊंगा और बैंक को मैं बताऊंगा कि मुझे इम्पोर्ट करना है, तो मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट भेजना है। मेरी बैंक जो है वो, जैसे ही मैं थोड़ा पेमेंट वहाँ पर कर दूंगा मेरी बैंक में, और मेरी बैंक को पता होगा कि इनके ट्रांजेक्शन्स अच्छे हैं, ठीक है, ये इतने साल से इनका अकाउंट है, मैं जैसे ही सारे प्रूफ, क्योंकि बैंक वाले भी सब प्रूफ देखते हैं, ऐसे ही वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर देंगे, तो सब कुछ देखने के बाद अगर उनको सही लगता है तो वो मेरे बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट आपकी बैंक को भेज देंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स एश्योरेंस गिवन बाय द बैंक टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को कौन एश्योरेंस देता है? बैंक देती है। और बैंक जब एश्योरेंस देता है तो लोग यकीन कर लेते हैं, मैं एश्योरेंस दूंगा तो आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन अगर बैंक एश्योरेंस करता है आपको, बैंक एश्योरेंस देता है कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, तो आप भरोसा करोगे। उसके बाद जब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद आप क्या करोगे? मुझे सामान भेजोगे। उसके पहले आप मुझे सामान भेजोगे नहीं। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में सबसे, अगर मीडिएटर रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी का होता है तो वो बैंक का होता है। उसके बिना हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक काम ये करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। दूसरा दोस्तों, हमें अपनी इनकम के ऊपर जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के कानून को हमें मानना पड़ता है। तो उस देश के कानून के हिसाब के, इस देश के कानून के हिसाब से जितने भी लोगों की एक लेवल से ज़्यादा इनकम होती है उनको इनकम टैक्स पे करना होता है। तो आजकल बैंक ये भी सुविधा देने लगे हैं कि हम अपनी बैंक में जाकर उनको बोल सकते हैं कि हमारे बिहाफ में आप क्या कर दो, इनकम टैक्स पे कर दो। ये भी सुविधाएँ हमें मिलती है आज के समय में। तीसरा, अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे विल है, जायदाद के कागजात है, या तो हमारे पास प्रीशियस ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, जो भी हमारे पास है, अगर वो मान लो कि वो हमें हमारे घर पे, वो हमें सेफ नहीं लगता है, अनसेफ लगता है, थोड़ा रिस्क रहता है, तो क्या बैंक हमें ऐसी कोई फैसिलिटी देती है कि बैंक वो संभाल के रखे? हाँ दोस्तों, वो हमें प्रोवाइड करते हैं सेफ डिपॉजिट वॉल्ट लोकर। ये सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताई दोस्तों, कि लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं इम्पोर्टर को, मतलब एक्सपोर्टर को देते हैं इम्पोर्टर के बिहाफ में, फिर हमें हमारा इनकम टैक्स पे कर देते हैं, फिर हमें लॉकर की फैसिलिटी देते हैं। आप पूछना लॉकर क्या होता है, लॉकर में क्या होता है, एक साल का चार्ज होता है, हमें देना पड़ता है, पर सेफ होता है हमारा डॉक्यूमेंट। और इसकी सिस्टम क्या होती है,
कि एक चाबी बैंक के पास रहती है, एक चाबी हमारे पास रहती है। जब भी हमें लॉकर से कोई चीज़ निकालनी होती है तो दोनों चाबी से ही लॉकर खुलता है, एक चाबी से लॉकर खुलता नहीं है और बहुत सेफ होता है वहाँ पर। तो ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जिसको बोलते हैं उसकी फैसिलिटी भी बैंक देती है। ये सारी जो फैसिलिटी बैंक देती है, क्योंकि उनका भी खुद का मेंटेनेंस है, उनको भी सैलरी करनी होती है, उनको भी अपनी बैंक चलानी होती है, तो उसके लिए बैंक कमीशन लेती है। लेकिन हमें इतनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज बैंक हमें देती है। उसके अलावा मान लो कि किसी भी देश में जब भी देखो किसी भी देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए हमारे देश में नई नई कंपनियां एस्टैब्लिश होना और कंपनियों का एक्सपांशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जितने भी बिजनेसेस हैं उनको कैपिटल चाहिए होती है, उनको कैपिटल रेज करना होता है, उसमें भी बैंक मदद करते हैं। कैसे? बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, अंडरराइटिंग सर्विसेज। कोई भी कंपनी जब नई होती है या तो कोई भी कंपनी कुछ सालों के लिए वो बिजनेस करती है और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि अब हमें पैसे चाहिए और हमें हमारा हिस्सा पब्लिक को बेचना है और पब्लिक को बेचकर हमें क्या करने हैं, पैसे जुटाने हैं। तो जब वो शेयर्स बेचने के लिए आते हैं तो पब्लिक को तो उस कंपनी के बारे में पता नहीं होता है। जब भी कोई नई कंपनी के शेयर्स इश्यू होते हैं जिसको हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके बारे में भी डिटेल में एक टॉपिक है, वो बाद में मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचकर पैसा जुटाना चाहती हो तो उस कंपनी के बारे में तो पब्लिक को पता नहीं है, तो वो कंपनी को पैसे जुटाने में मदद कौन करती है? बैंक। बैंक क्या करती है? उनको अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जब भी किसी कंपनी को इश्यू लेकर आना होता है, पब्लिक से पैसे जुटाने होते हैं, तो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे इतने शेयर्स बिकवा दो। बैंक क्या करती है? उनको एश्योरेंस देती है, चिंता मत करो, हम आपके इतने शेयर्स बिकवा देंगे। पर उसके ऊपर बैंकों को कमीशन मिलता है और बैंक क्या करती है? उतने शेयर्स बिकवा देती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर रैशनल तरीके से सोचना, बैंक्स ऐसे ही किसी कंपनी के अंडरराइटर नहीं बनेंगे। बैंक सबसे पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेगी, इतने सालों का उनका जो रिकॉर्ड होगा वो चेक करेंगे। उसके बाद जब उनको लगेगा कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, ये अच्छा काम कर रही है, तब जाकर वो अंडरराइटर सर्विसेज लेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या एश्योरेंस लेना होता है बैंकों को, कि मान लो किसी बैंक ने ऐसा एश्योरेंस दिया कि हम आपके 1 करोड़ शेयर्स बिकवा देंगे, अगर मान लो कि 1 करोड़ में से 80 लाख शेयर्स ही बिके, तो वो जो 20 लाख शेयर है जो सब्सक्राइब्ड नहीं हुए हैं, वो 20 लाख शेयर खुद बैंकों को परचेस करने पड़ेंगे। ऐसा होता है अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप सोचो इससे कंपनियों को कितना अच्छा, जो भी कंपनी को पैसे जुटाने हैं उस कंपनियों के लिए कितना अच्छा कि जैसे ही उन्होंने किसी को अंडरराइटर बना दिया तो वो क्या हो गए, सेफ हो गए। अब उनको कैपिटल मिल जाएगी, उससे वो अपना कर्ज चुका सकते हैं, उससे वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी। और ये फैसिलिटी कौन देती है? बैंक देती है। तो अंडरराइटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनियों को जब उनको पैसे चाहिए होते हैं। तब समाज के हर एक तबके तक बैंकिंग सर्विसेज पहुँचती है और बैंक वाले समाज के जो पिछले तबके, जो बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जिनके तक जो अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको बैंक माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी देती है। अगर गांव में किसी पिछड़े हुए लोगों, गांव में बहुत जो आर्थिक तौर पर, मैं यहां पर बोल रहा हूँ को आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको एक चाय की किटली स्टार्ट करनी है, जो लेडीज़ को एक स्विंग मशीन, सिलाई का मशीन लाकर सिलाई करनी है, ठीक है, जिसको फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग करनी है, 2-3 गाय लाकर और जिसको डेयरी फार्मिंग करनी है, तो ऐसे लोगों को बैंक माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी देती है। 25-50 हज़ार रुपये तक की लोन देती है ताकि वो अपना क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इससे समाज के हर एक तबके का विकास होता है। तो बैंक इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सारी सर्विसेज हमें देती है। और एक बात, मैंने पिछली बार आपको डिमांड ड्राफ्ट का कुछ समझाया था कि अगर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ हमें पेमेंट करना है या तो किसी से पैसे लेने हैं तो डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है। तो जब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ आपको पेमेंट करना है तो बैंक हमें कौन सी फैसिलिटी देती है? डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। तो जो पहला फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन, वो है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। ये मैंने आपको जो भी समझाया ना दोस्तों, बैंक हमारे लिए एजेंट के तौर पर काम करती है। और यूटिलिटी सर्विसेज का मतलब ये होता है बैंक हमें ऐसी फैसिलिटीज देती है
कि जिससे हमारा काम क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, जिसको हम यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर पहला फंक्शन आपको अच्छे से समझा दिया, हमें यहाँ से पढ़ते हैं एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। अब बैंक प्रोवाइड्स वेरियस यूटिलिटी एंड एजेंट बैंकिंग फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को यूटिलिटी और एजेंट बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब बैंक कैन एक्ट एज अ मीडिएटिंग एजेंट बाई प्रोवाइडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया, इम्पोर्टर के बिहाफ में किसको लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्टर को, और उसकी वजह से ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो पाता है। बैंक्स also प्रोवाइड underwriting services टू वेरियस businesses। बैंक्स अलग अलग businesses को underwriter services भी प्रोवाइड करते, मैंने बोला ना assurance देते कि हम आपके इतने shares बिकवा देंगे, सब कुछ legally होता है, सब कुछ safe तरीके से होता है। बैंक्स also प्रोवाइड facilities टू द इट्स कस्टमर्स टू पे टैक्स चलांस। हमें अगर इनकम टैक्स पे करना है तो बैंक वाले डायरेक्ट हमारा इनकम टैक्स क्या कर देंगे, अगर हम परमिशन देंगे तो वो पे कर देंगे। बैंक्स also प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स on rent to its customers wherein they can safely store their precious jewelry documents etc. हमारी कीमती गहने या तो कोई important documents अगर हमें safely रखने हैं तो bank हमें safe deposit vault भी provide करता है, जिसको locker facility भी बोलते हैं। Banks provide microfinance facilities for very small businesses which are important for development of communities। समाज के हर एक तबके के विकास के लिए, हर एक तबके को आगे लाने के लिए बैंक माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। When some payments are to be made with foolproof security, banks provide services to the payer by issuing draft or pay order. जब किसी को foolproof security के साथ payment करना होता है तो bank उसको draft और pay order issue करके देती है। इससे हम foolproof security के साथ क्या कर सकते हैं, payment कर सकते हैं। चेक बाउंस हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं हो सकता है, हमारे पास प्रूफ भी रहता है कि हमने किसी को पेमेंट दिया है। तो आपको ये फर्स्ट जो एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज वाला फंक्शन है वो समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसमें आपको डाउट होगा, जैसे अंडरराइटर सर्विसेज है, जैसे आईपीओ है, ये सारी चीज़ें आप खुद सर्च करना। जैसे जैसे चैप्टर्स में, इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे टॉपिक्स आएंगे, मैं कवर करूंगा इसको, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब भी हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं या तो कुछ ऐसा सुनते हैं जो हम में क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। जितने भी टॉपिक्स, जो भी आपको डाउट है, वो आप खुद सर्च करना, रेफरेंस बुक से पढ़ना और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी जिस टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस टॉपिक के ऊपर है, बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, दूसरा फंक्शन क्या है सेकेंडरी फंक्शन में, दूसरा फंक्शन क्या है, तो बदलते समय के साथ, मैंने बोला था दोस्तों आपको, बदलते समय के साथ बैंक्स अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सुविधाएं देते हैं। आज हम लोग बिना बैंक में जाए बैठे बैठे हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो बैंक्स हमें दो फैसिलिटी देती है, एक होती है NEFT और एक होती है RTGS। और ये जो फैसिलिटी है ना, ये एक ऑनलाइन सर्वर के थ्रू चलती है, जिसमें सारे बैंकों के सेंट्रलाइज्ड बोलते, जिसको बोलते हैं, ये बैंकों के जितने भी सर्वर है ना, उनको सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर से कनेक्ट कर दिया है, ताकि जितने भी लोग एक दूसरे, अब आपको सवाल ये होगा, सर अगर मेरा अकाउंट SBI में है और सामने वाले का अकाउंट HDFC बैंक में है, तो सर ट्रांजेक्शन कैसे होगा ऑनलाइन? नहीं, सभी बैंकों के सर्वर जो है ना, वो एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं कोर बैंकिंग, जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। जब भी आप ट्रांसफर करते हो ऑनलाइन, ये क्या हो जाता है, रियल टाइम में ये ट्रांजेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से ये फैसिलिटी हमें मिलती है। तो आजकल हम लोग इंटरनेट बैंकिंग की मदद से, मोबाइल बैंकिंग की मदद से, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, सर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, आप कंप्यूटर के ऊपर जब इंटरनेट की मदद से, वेबसाइट के थ्रू जब बैंकिंग साइट के ऊपर जाते हो और अपने सारे ट्रांजैक्शन करते हो, उसको इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, और मोबाइल में जब आप एप्लीकेशन के थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हो, तो उसको मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। तो आजकल बैंक हमें कैसी सुविधाएं देती है कि जिससे हमें बैंक में ना जाना पड़े, और ये बैंक के लिए भी अच्छा है कि इतना फुट स्टेप कम हो जाएगा,
जितने भी कस्टमर्स है उनको बहुत जल्दी से सर्विसेज मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, उनको बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से वो लोग क्या करेंगे, सबको सुविधाएं दे पाएंगे और हमें भी बहुत आसानी से सुविधाएं मिलेगी। तो ऑनलाइन ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मैंने आपको बोला दो तरीके से, NEFT होता है और RTGS होता है, और अभी एक नई सिस्टम आई है जो यहाँ पर नहीं बताया है, IMPS, इससे इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। NEFT और RTGS में क्या होता है कि आपको 48 आवर का टाइम दिया जाता है, कि अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे एक ही समय पे, तो 48 आवर का टाइम बोला है RBI ने कि 48 आवर्स में आपके ट्रांजेक्शन सेटल होते हैं। लेकिन IMPS एक ऐसी फैसिलिटी है कि जिसमें इंस्टेंट पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी सेकंड जिस वक्त आपने पेमेंट कर दिया सामने वाले के अकाउंट में क्या हो जाता है, पेमेंट जमा हो जाता है। NEFT और RTGS में भी हो जाता है, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होती है, देर लगती है, 48 आवर्स का उन्होंने टाइम वहाँ पर बोला है, टाइम बाउंड दिया है कि भाई इतने टाइम में आपका पेमेंट होगा। अब ये NEFT और RTGS ट्रांजेक्शन करने के लिए, देखो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है, NEFT और RTGS क्या है, ऑनलाइन पेमेंट की मेथड है। क्या है ये, ऑनलाइन पेमेंट की मेथड, कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करते हो, या तो आप पेमेंट रिसीव करते हो, तो ये इसकी एक मेथड है NEFT और RTGS। NEFT को बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT में आप 2 लाख तक अमाउंट क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, और RTGS में 2 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS में हम अमाउंट की एक लिमिट होती है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट हो जाता है ट्रांसफ़र। तो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ विद चेंजिंग टाइम्स, बदलते समय के साथ हमें बहुत आधुनिक सेवाएं देने लगी है बैंक, और ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जिससे हमें बैंक में भी जाना पड़ता नहीं है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हर एक बैंक की ब्रांच का एक कोड होना चाहिए, जिसको बोलते हैं IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड। ये 11 डिजिट का एक न्यूमरिक कोड होता है, अल्फा न्यूमरिक कोड, 11 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक कोड होता है। जैसे मान लो कि मेरी ब्रांच का जो IFSC कोड है वो कोड है CNRB 0000173, CNRB 0000173। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर आपको IFSC कोड जानना है तो आपके पापा के अकाउंट, या तो आपके अकाउंट का जो भी बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक लेना, उस पासबुक में पहले ही पेज पे वहाँ पर IFSC कोड लिखा होगा, 11 डिजिट का होगा और अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। सारे जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ये सारे IFSC कोड के थ्रू ही होंगे, और हर एक बैंक की हर एक ब्रांच का एक IFSC कोड होता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपका जो भी अकाउंट, जो भी ब्रांच में आपका, जो भी बैंक की ब्रांच में अकाउंट है, उस बैंक की ब्रांच का नाम लिखकर IFSC लिखोगे, वहाँ पर आपको IFSC कोड मिल जाएगा। तो उसके थ्रू ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, तो कितना अच्छा है, हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, और कहीं से क्या कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है, बैंकिंग इज एन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, ये क्रांतिकारी कदम है। देर इज कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक्स। कंटिन्यूअस बैंकों के कामों में बढ़ोतरी हो रही है और विविधता आ रही है। सोचो आप घर पे बैठे बैठे हम पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वन कस्टमर टू दैट ऑफ एनी अदर कस्टमर ऑफ एनी बैंक विदाउट यूजिंग कैश और चेक इज डन थ्रू फैसिलिटीज लाइक NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आज कस्टमर बिना किसी चेक या बिना किसी कैश के घर पे बैठे बैठे ही क्या कर सकता है, ऑनलाइन क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ NEFT एंड RTGS। बोथ दिस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग, क्योंकि सारे बैंकों के सर्वर एक सेंट्रलाइज सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए सारे ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होते हैं। चाहे किसी भी बैंक में आप ट्रांजेक्शन करो, पर वहां पर सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। बोथ दिस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ये था दोस्तों बदलते समय के साथ बदलती सुविधाएं। आजकल आप कोई भी बैंक की एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करोगे या तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करोगे, तो बैंक आपको ऑनलाइन मूवी टिकट बुक भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट कर सकते हो, आप ऑनलाइन अगर कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो तो बैंक आपको ये सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। तो बदलते समय के साथ बैंक क्या कर रही है, अपनी सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। और तो और, जैसे
बैंक में, जैसे हमें बैंक में पैसे जमा करने के लिए और विड्रॉ करने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वैसे ही अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेस करने हो, इक्विटी शेयर्स परचेस करने हो और बेचने हो, डिबेंचर्स परचेस करने हो या सेल करने हो, बॉन्ड परचेस करने हो या सेल करने हो, तो पहले के समय में फिजिकल एक्सचेंज होता था, मतलब एक कागज होता था शेयर्स के नाम पर, डिबेंचर के नाम पर, बॉन्ड के नाम पर, और वो जो मार्केट होता था वहाँ पर जाकर उसको बेचना पड़ता था, पर वो बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाती थी, फिर जो भी खरीदता था उसको अपना नाम ट्रांसफर करवाना पड़ता था और उसको एक नया कागज मिलता था। तो उसकी जगह ये प्रोसीजर को बहुत आसान करने के लिए एक नई सिस्टम आई जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स आप रख सकते हो और बेच सकते हो, परचेस कर सकते हो और सेल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, शेयर बाजार के साथ जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। वो ज्यादातर है ना आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो ओपन करके देते हैं। अब आप बोलोगे सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मेन काम ये होता है कि वो डीमैट अकाउंट आपका ओपन करके देते हैं। जैसे बैंक का मेन काम क्या होता है? आपका बैंक अकाउंट ओपन करना और उसमें आपके पैसे को संभाल के रखना। वैसे इस देश में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का ना क्या काम क्या होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का काम ये होता है कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना और उसमें आपके शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इन सबको इलेक्ट्रॉनिकली संभालना। जब आप परचेस करने का बोलो तो परचेस करना, जब आप सेल करने का बोलो तो सेल करना, क्योंकि प्रोसीजर बहुत आसान हो गई है। तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड ये सब कुछ परचेज या सेल करना हो तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है? डीमैट अकाउंट। आजकल बैंक भी ये फैसिलिटी देने लगे है कि आप बैंक में ही अपना क्या कर सकते हैं? डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेन काम किसका है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो यहां पर तो मैं कुछ नाम आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, जैसे कि शेर खान है, शाह इन्वेस्टर्स ब्रोकिंग, शाह इन्वेस्टर्स लिमिटेड है, फिर ट्रेडबुल सिक्योरिटीज है, ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के कुछ नाम है। पर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, अभी हम बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इसके बारे में फिर से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जितने भी आपको कन्फ्यूजन है मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन अभी हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं? फोकस करते हैं। बिसाइड्स कस्टमर्स कैन गेट वेरियस डिटेल्स ऑफ देयर अकाउंट एज वेल एज मेक पेमेंट्स, बाय गुड्स, बुक टिकट्स एटसेट्रा ऑन देयर कंप्यूटर और मोबाइल फोन थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ऐप। इसके अलावा कस्टमर्स अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, गुड्स परचेस कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन के थ्रू। कंप्यूटर में करेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल में करेंगे तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। ठीक है, फिर गुड्स परचेस कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। Banks also provide safe deposit vaults and facilities of demat account. Banks safe deposit vault और demat account की facilities भी provide करते हैं। Dematerialized account होता है उसका full form. This is an account where shares, debentures, bonds, etc. can be held in electronic form, which is easier than holding them in physical form. Physical form से electronic form में रखना आसान होता है और उसके लिए हमें demat account open करवाना पड़ता है। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, डाउट होगा, जो आप बहुत डिटेल में जानना चाहोगे, लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कमेंट करना किस टॉपिक के बारे में, डीमैट अकाउंट के बारे में जानना चाहते हो, आईपीओ के बारे में जानना चाहते हो, आप सब लोग कमेंट करना, उस टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगा। आप सब्सक्राइब कर देना, आप देख भी सकते हो वीडियो, आप सब्सक्राइब करना इस चैनल को। अगर आपको ये अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करना? फॉरवर्ड करना। याद रखना, नॉलेज इज़ द पावर। किसी भी इंसान की वैल्यू उसके डिग्री से, उसके पास कितने पैसे उससे नहीं बढ़ती है, उसके पास कितना नॉलेज है उससे बढ़ता है। बदलते समय के साथ सबको बदलना ज़रूरी होता है, इंसान को भी अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए नॉलेज एक्वायर करते रहना, अच्छे से बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, नॉलेज एक्वायर करते रहना। आज रखते हैं इतना, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्रेडिट क्रिएशन। आज के लिए रखते हैं इतना, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सियाराम।